हे गाइस, वेलकम बैक। फाइनली रियलमी जी टी मास्टर एडिशन डिवाइस के लिए 31 दिसंबर को रात को रियलमी UI 3.0 का ऑफिशियल अपडेट रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो रियलमी ने प्रॉमिस किया था दिसंबर में इस डिवाइस के लिए अपडेट रोल आउट होगा, तो यहाँ पर रियलमी ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया है न्यू ईयर से पहले इस अपडेट को रोल आउट करके। तो बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। अपडेट का साइज आप देख सकते हैं 4.7 GB के अप्रोक्स आपको मिलता है। यहाँ पर फाइनली हमने अपने डिवाइस में इस अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है। तो आज हम इस अपडेट के बाद डिवाइस में कौन से न्यू फीचर्स को ऐड किया गया है सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड ये अपडेट अभी के लिए कुछ ही सिलेक्टेड यूजर्स के लिए अर्ली एक्सेस के लिए रोल आउट किया गया था। अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो जल्दी इसका दोबारा से फिर से अर्ली एक्सेस का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो जैसे ही दोबारा इस अपडेट को रोल आउट किया जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अपडेट को सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए रोल आउट किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली ये अपडेट कम से कम अर्ली एक्सेस के लिए रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो वीडियो पे एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, सारे फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि रियलमी UI 3.0 के सभी डिवाइसेस की ऐसी अपडेट की वीडियो डिटेल में आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फीचर्स के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट स्लाइड बार के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं इस अपडेट के बाद जो स्मार्ट स्लाइड बार है 2.0 आपको मिल जाता है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में आपको मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप स्लाइड अप करेंगे एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर टूल्स एंड एप्लीकेशन का ऑप्शन पहले भी था, जो एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है सिंपली ऐड कर सकते हैं। अभी जिस भी ऐप पे अगर आप टैप करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो में वो ओपन हो चुकी है, फ्लोटिंग विंडो 2.0 आपको मिल जाता है। इसका जो साइज है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट साइड के कॉर्नर से अगर आप स्लाइड अप करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन है एंड ऊपर से आप क्लोज कर सकते हैं एंड एक साथ दो एप्लीकेशन को भी आप यूज कर सकते हैं। तो पहले साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं था, अभी ये आपको मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसेंट ऐप के बारे में, तो इसका जो लेआउट है पहले की तरह सिमिलर आपको मिल जाता है, लेकिन 3 डॉट पे अगर आप टैप करेंगे फ्लोटिंग विंडो स्प्लिट स्क्रीन, ये ऑप्शन पहले भी था लेकिन फ्लोटिंग विंडो पे जैसे आप टैप करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं स्मॉल स्क्रीन पर ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। ऐसे आप लेफ्ट या राइट कॉर्नर से नीचे से बॉटम से आप साइज एडजस्ट करने का ऑप्शन है, साथ में दो एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज करने का ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो पर्सनली मुझे रियलमी UI 2.0 का कंट्रोल सेंटर थोड़ा बेटर लगा था, 3.0 का भी ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस अपडेट के बाद न्यू कंट्रोल सेंटर आपको मिल जाता है। बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट आपको मिलता है बट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी आपको मिल जाता है। टॉगल्स का जो साइज है शेप है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर पर्सनलाइजेशन में ये ऑप्शन आपको मिलता है, वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड यहाँ पर अगर आपको कोई नोटिफिकेशन क्लोज करना है सिंपली आपको होल्ड करके रखना है, टर्न ऑफ नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड यहाँ से अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। तो इसका लेआउट आपको चेंज मिल जाता है। मोर सेटिंग पे अगर आप टैप करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर या बैनर नोटिफिकेशन आपको चाहिए या फिर नहीं तो उसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप 2 फिंगर से पिंचन करेंगे या फिर होम स्क्रीन पर होल्ड रखेंगे तो भी आप देख सकते हैं नीचे पहले विजिट्स का ऑप्शन था, अभी विजिट्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पर प्लस का ऑप्शन है। तो प्लस पे अगर आप टैप करेंगे तो अभी यहाँ पर सारे विजिट्स आपको मिल जाते हैं, जो भी आपको शॉर्टकट ऐड करना है क्लॉक का या फिर सर्च बार, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी सेम पुराने ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेटिंग्स के चेंजेस के बारे में, तो भी आप देख सकते हैं सेटिंग्स में काफ़ी चेंजेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले जो आइकन्स है वाईफाई मोबाइल नेटवर्क, इसके आगे के आइकन आप देख सकते हैं काफ़ी कलरफुल आइकन्स आपको मिलते हैं, ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेड, तो डिफरेंट कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं अभी नीचे आपको अबाउट डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, पहले यहाँ पर अबाउट फोन का ऑप्शन था तो अभी अबाउट फोन के बदले अबाउट डिवाइस का नाम यहाँ पर चेंज किया गया है। एंड यहाँ पर इस अपडेट में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको मिलता है, तो एंड्रॉइड 12 के एनिमेशन आप देख सकते हैं, क्लॉक में आपको 12 सेट करना है एंड अभी आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 की बबल एनिमेशन आपको मिल जाती है। स्टोरेज पे अगर आप टैप करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इसका भी लेआउट आपको पहले से चेंज मिलेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको मिलता है, अभी आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर ऑप्शन के साथ पूरे स्टोरेज को डिफरेंशिएट किया गया है, जैसे इमेजेस वीडियोज एप्लीकेशन का साइज कितना आपको मिलता है। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, नीचे क्लीन का ऑप्शन है तो यहाँ से आप डिवाइस की स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, इसके बदले अभी इसका नाम सिस्टम सेटिंग चेंज किया गया है। इसके अंदर जो कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन है यहाँ पर अभी इसके अंदर आपको मिल जाता है, पहले जो कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन था वो यहाँ पर आपको मिलता था बट अभी स्पेशल फीचर का ऑप्शन न्यू एड किया गया है, अभी सिस्टम सेटिंग के अंदर दूसरा ऑप्शन शिफ्ट किया गया है। तो स्पेशल फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल विंडो का ऑप्शन आपको मिल जाता है।
तो यहाँ पर जो फ्लोटिंग विंडो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल विंडो 2.0 का सपोर्ट है, क्विक लॉन्च का ऑप्शन आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको इसे एनेबल करना है, एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है, तो 5 एप्लीकेशन 5 शॉर्टकट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो जो आपको ऐड करना है सिंपली प्लस पर टैप कीजिए, जो आपको यहाँ पर रिमूव करना माइनस का ऑप्शन आपको मिलता है, तो एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, शॉर्टकट ऐड करना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी सिंपली जैसे आप फोन को क्लोज करेंगे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर से जैसे आप अनलॉक करेंगे तो अपना जो थंब है या फिर फिंगर आपको मूव नहीं करनी है, तो अभी आप देख सकते हैं क्विक लॉन्च के अंदर यही शॉर्टकट आपको मिल जाते हैं जिसे आप ज्यादा यूज करते हैं, सिंपली यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। एंड फिंगर को अगर आप मूव करेंगे तो वही एप्लीकेशन वही शॉर्टकट आपका ओपन हो जाएगा। स्मार्ट स्लाइड बार का ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप इसे एनेबल करना चाहते हैं यहां से एनेबल कर सकते हैं। गेट रिकमेंडेशन अगर आप एनेबल करेंगे तो ये आपको शॉर्टकट शो करेगा। एप्लीकेशन नेम का ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप इसे एनेबल करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं स्मार्ट स्लाइड बार के अंदर एप्लीकेशन नेम आपको शो करेगा, क्लोज करेंगे तो ओनली एप्लीकेशन आइकन आपको शो करेंगे। तो स्मार्ट स्लाइड बार एनेबल करने के बाद YouTube एप्लीकेशन अगर आप ओपन करेंगे तो वॉल्यूम बार अगर आप यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, अभी आप देख सकते हैं साइड में ब्लू सर्कल आपको मिलता है, अगर आप इस पर टैप करेंगे तो भी इस अपडेट के बाद बैकग्राउंड में भी YouTube एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई सॉन्ग प्ले करना है या फिर आपको किसी वीडियो का बस ऑडियो प्ले करना है, साथ में दूसरे एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो यूट्यूब भी आप चला सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन के अंदर, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका लेआउट आपको चेंज मिलेगा। वॉलपेपर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, दो स्टैटिक वॉलपेपर है न्यू आपको मिल जाते हैं, कोई भी स्टैटिक वॉलपेपर जैसे हमने ये अप्लाई किया है, लेकिन जो लाइव वॉलपेपर है वही पुराने आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर कलर का ऑप्शन आपको मिलता है, जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है जो सेटिंग में आपको मिलता है वही आपको सेट करना है। अभी आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन पैनल है कंट्रोल सेंटर है सेटिंग्स का, काफी कलरफुल आइकन आपको मिलते हैं, बट यहाँ से अगर आप वॉलपेपर कलर पिकिंग के ऑप्शन पर सेट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है जो वॉलपेपर का कलर है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करना चाहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सेटिंग का एंड जो कंट्रोल सेंटर उसका कलर चेंज हो चुका है। जैसे एग्जांपल के लिए एक दूसरा वॉलपेपर मैं सेट करता हूँ, तो भी वापस हम वॉलपेपर कलर पिकिंग पे टाइप करेंगे तो वॉलपेपर के अकॉर्डिंग इसने 4 कलर यहाँ पर सेटिंग्स के, होम स्क्रीन के, क्लॉक के, जो कैलकुलेटर है, पूरा जो सिस्टम उसके कलर पिक कर लिए हैं, तो ये आपको मिल जाता है। कस्टम पे अगर आप टाइप करते हैं तो ब्लू, पिंक, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, तो जो आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट पे अगर आप टाइप करेंगे पहले जैसे कलरफुल आइकन्स थे वैसे ही आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए आपको ये कुछ वॉलपेपर मिल जाते हैं। अगर आप कुछ डिफरेंट हटके न्यू वॉलपेपर ट्राई करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक वॉलपेपर जैसे आसूस का आरओजी वॉलपेपर चाहिए लाइव एनिमेशन के साथ, एंड साथ में कुछ और वॉलपेपर भी आपको मिलते हैं जैसे इलेक्ट्रिक वॉलपेपर आप देख सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपको प्रोवाइड कर दिया, तो सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो इसके लिए मैसेज आप कर सकते हैं, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में बात करें, सबसे पहले आपको ऊपर से इसे एनेबल करना डिस्प्ले ऑप्शन में, आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, या फिर ऑल डे पे आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे आप देख सकते हैं डिजिटल क्लॉक के अंदर ये कुछ यहाँ पर 3-4 डिजिटल क्लॉक और न्यू एड किए गए, बाकी पुराने आपको मिलते हैं। एनालॉग क्लॉक में भी कुछ न्यू आपको मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है वो भी सेट कर सकते हैं। रियल मैओ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो उसमें येलो, ब्लैक जैसा आपको सेट करना है वैसे आप सेट कर सकते हैं। इमेज का ऑप्शन है, तो इसमें आपको लाइव AOD मिल जाते हैं, अगर आपको लाइव पसंद है तो लॉक स्क्रीन पर ये भी आप एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आप खुद का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्रिएट करना चाहते हैं कस्टम पैटर्न पे अगर आप टैप करेंगे, सबसे पहले आपको कलर सेलेक्ट करना है, शेप का ऑप्शन है, जो आप सेट करना चाहते हैं वो शेप आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अभी सिंपली आपको जो पैटर्न है वो ड्रॉ करना है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक साथ मल्टी कलर का पैटर्न भी डिफरेंट कलर ऑप्शन सेलेक्ट करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा आपको क्रिएट करना है वैसा आप अपना कस्टम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। टेक्स्ट अगर आप टाइप करना चाहते हैं या फिर इमेज के ऊपर टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं, गैलरी से इमेज सेलेक्ट करके लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हैं। AOD में पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से सिंपली गैलरी एप्लीकेशन से कोई भी फोटो आपको सिलेक्ट करनी है, एंड ध्यान रखिए अगर आप सिंपल फोटो सिलेक्ट करेंगे जिसका बैकग्राउंड क्लीन हो या फिर एक दो कलर का हो तो वहाँ पर जो पोर्ट्रेट है आपका काफी बढ़िया क्रिएट करता है, लेकिन अगर मिक्स में है तो वहाँ से थोड़ा रॉन्ग पोर्ट्रेट कैप्चर करता है। अभी आप देख सकते हैं आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो आपका पोर्ट्रेट है वो इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है। तो इसे अगर आप अप्लाई करेंगे काफी यूनिक फीचर आपको मिल जाता है, ऐसा किसी और डिवाइस में आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ी कम आपको मिलती है। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर जो आपका नॉर्मल फोटो है आपके फोटो का जो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाएगा, तो ये भी आपको मिल जाता है। आइकन्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसकी शेप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वैसे होम स्क्रीन पर भी ये ऑप्शन आपको मिलता है। क्विक सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर के जो टॉगल्स हैं उसकी शेप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो कि पहले भी था बट अभी इसका लेआउट चेंज आपको मिलेगा। तो ऐसे आइकन स्टाइल का भी लेआउट आपको चेंज मिलेगा, पहले हाफ स्क्रीन पर था अभी फुल स्क्रीन पर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपको मिल जाता है।
जाता है। फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले का साइज़ भी चेंज आपको मिल जाता है, तो यहाँ से अपने फ़ॉन्ट या डिस्प्ले का साइज़ आप स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, तो 8 एनिमेशन आपको मिल जाते हैं जो आपको यूज़ करनी है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एज लाइटिंग का ऑप्शन है, पहले काफ़ी बढ़िया एज लाइटिंग थी बट अभी आप देख सकते हैं जैसे MIUI में आपको मिलती है एज लाइटिंग कुछ वैसे आपको मिल जाती है पहले फुल स्क्रीन पर कॉर्नर से, जो एज लाइटिंग थी थोड़ी बोल्ड थी, काफ़ी यूनिक थी, बट रियलमी UI 3.0 के साथ आपको कुछ ऐसी मिल जाती है। मुझे पहले वाली पसंद है, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ब्लू एंड रेड एंड ऑरेंज क्रीम कलर टाइप की एनिमेशन आपको मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गेम स्पेस के बारे में, अभी आप देख सकते हैं गेम स्पेस वर्जन 2.0 आपको मिल जाता है। इस अपडेट के बाद काफ़ी चेंजेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं टाइम टेम्परेचर एंड बैटरी डिटेल्स आपको मिलेगी। यहाँ पर अगर आप स्मॉल स्क्रीन पर एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं जैसे व्हाट्सएप मैसेंजर तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड करेंगे एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है, जो एप्लीकेशन आपको ऐड करनी है सिंपली प्लस पर टैप करके ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मोस्टली एप्लीकेशन का सपोर्ट आपको मिल जाता है, जो आपको ऐड करनी है शॉर्टकट के तौर पर वो आप गेम स्पेस में ऐड कर सकते हैं। एंड ये आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। एंड बाकी जो परफॉर्मेंस मोड अगर आपको सिलेक्ट करना है वो पहले भी ऑप्शन था। स्क्रीनशॉट अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन पहले भी थे बट इसका लेआउट आपको चेंज मिलते हैं। गेम फोकस मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है तो इसे भी आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, टर्न ऑन का ऑप्शन है। तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको इसके अंदर मोस्ट अवेटेड इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाता है वॉइस चेंजर का, मेल फीमेल किड एलियन, तो जैसी ही वॉइस आप चाहते हैं गेमिंग करते हुए वैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो हाई डीप ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे आप सेट करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। और रियलमी UI 3.0 के अंदर प्राइवेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा एक्सेस एंड जो माइक्रोफोन एक्सेस है उसको सिंपली आपको अनेबल कर देना। अगर आप जाएंगे कैमरा एप्लीकेशन में तो भी आप देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर पर राइट साइड में बैटरी के बदले यहाँ पर आपको ग्रीन डॉट मिलेगा। एंड अगर आप जाएंगे यहाँ पर ऊपर तो इस पर आपको ये आइकन मिलता है, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो ये आपको शो करेगा अभी आपका जो कैमरा है वो यहाँ पर यूज़ में है। अगर किसी की कॉल आएगी या व्हाट्सएप है इंस्टाग्राम है कोई भी एप्लीकेशन अगर आपका माइक्रोफोन यूज़ करेगा या कैमरा तो ये ग्रीन डॉट आपको मिलेगा एंड ऊपर से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देगा, एप्लीकेशन का नाम आपको मिल जाएगा कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस कर रही है एंड इस पर टैप करके उसकी जो परमिशन है उसको आप डिनाय कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। बैकग्राउंड में अगर कोई भी एप्लीकेशन बिना बताए आपका कैमरा या माइक्रोफोन यूज़ करेगी तो सिंपली आपको पता लग जाएगा, ऊपर से उस पर टैप करके उसकी जो परमिशन है आप क्लोज कर सकते हैं। कैमरा के बारे में बात करें तो अपडेट के बाद आप देख सकते हैं इसका भी लेआउट चेंज किया गया है, स्पेशली जो अल्ट्रा वाइड का एंड जूम का ऑप्शन है। अल्ट्रा वाइड पे टैप करेंगे ये 3 ट्रीज का ऑप्शन है, यहाँ पर 1x पे 2 ट्री है, 2x पे सिंगल ट्री का आइकन आपको मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर ट्री का आइकन चेंज किया गया, पहले 1x 2x यहाँ पर आपको मेंशन मिलता था। एंड स्लाइड अप करेंगे तो ऑलरेडी आपको आईफोन की तरह सर्कुलर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अपडेट के बाद कैमरा का जो लेआउट है थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलेगा। 3 डॉट पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पर फ्रेम रेट सेटिंग्स में आप डायरेक्टली जा सकते हैं, इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऐसे ही फोटोज का भी ऑप्शन है, तो बेसिकली जो आइकन्स है उसमें चेंज आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर पे अगर आप जाएंगे तो ये टॉगल्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको इन्हें एडिट करना है तो ऊपर आपको मेंशन मिलता है किसी भी आइकन को टच एंड होल्ड करके रखना, जहाँ पर आप ड्रैग करना चाहते हैं आइकन को, मूव करना चाहते हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे फ़ोन मैनेजर में तो इस अपडेट के बाद आप देख सकते हैं फ़ोन मैनेजर लेटेस्ट आपको अपडेटेड मिल जाती है। इसके अंदर वायरस स्कैन का ऑप्शन अभी ऐड किया गया है जो कि पहले अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ से अपने डिवाइस को स्कैन आप कर सकते हैं। क्लीन अप स्टोरेज का ऑप्शन आपको मिलता है, बस फोटोज़ या वीडियोज़ आपको क्लीन करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है तो उसे भी आप डायरेक्टली यहाँ से आप सिलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप फ़ोन मैनेजर एप्लीकेशन में स्लाइड लेफ्ट करेंगे या फिर नीचे भी टूल्स का ऑप्शन आपको मिलता है तो जैसे ओपन करना वैसे आप कर सकते हैं। इसमें प्राइवेसी का, ऐप सिक्योरिटी, डिवाइस एंड डाटा सिक्योरिटी, स्पेशल फीचर्स, तो ये सारे ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। तो बेसिकली इसका लेआउट चेंज आपको मिलेगा, पहले टूल्स का ऑप्शन नहीं था बट अभी ये शॉर्टकट भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर ऐप लॉक का ऑप्शन है, तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप हाइड करना चाहते हैं सिंपली आपको ऐप लॉक का सबसे पहले पासवर्ड सेट करना है, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। जो भी हिडन एप्लीकेशन है तो यहाँ से आप उन्हें सिंपली पासवर्ड फिल करके चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ से आप इन्हें यूज कर सकते हैं, होम स्क्रीन से वो गायब हो जाएगी। प्राइवेट स्पेस का ऑप्शन है तो इसमें भी आपको पासवर्ड सेट करना है, यहाँ पर अपनी जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ऑडियो डॉक्यूमेंट या फिर दूसरी फाइल आप यहां से हाइड कर सकते हैं। ऐप सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको मिलता है, इसके अंदर डाटा यूसेज का ऑप्शन है, तो इस पे अगर आप टैप करेंगे SIM 1 या SIM 2 के अंदर से कितना डाटा आपने कंज्यूम किया है पर डे के अकॉर्डिंग या फिर पूरे मंथ का डाटा अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन ने कितना GB या कितना MB डाटा आपका कंज्यूम किया है तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं मैनेज डाटा यूसेज का ऑप्शन आपको मिलता है, डाटा यूसेज लिमिट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं MB या GB, तो सिंपली
आपको सिलेक्ट करना पर डे या फिर मंथली वाइज भी आपको लिमिट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, कितना डाटा आप कंज्यूम करना चाहते हैं, एंड कंज्यूम करने के बाद अलर्ट आपको मिले, नोटिफिकेशन मिले, तो इसे आप अनेबल कर सकते हैं, या फिर डाटा यूसेज के साथ में नोटिफिकेशन के साथ में आपका मोबाइल डाटा भी ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली, तो ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेली डाटा लिमिट के साथ में मंथली डाटा यूसेज लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऐप क्लोनर का ऑप्शन मिलता है स्पेशल फीचर के अंदर। तो पहले 4-5 एप्लीकेशन का सपोर्ट था, बट अभी आप देख सकते हैं 50% से ज्यादा एप्लीकेशन का सपोर्ट आपको मिलता है। तो भी आपको इस अपडेट के बाद मैक्सिमम एप्लीकेशन में ड्यूल ऐप का यानी ऐप क्लोनर का फीचर का सपोर्ट आपको मिल जाता है। सिस्टम क्लोनर का ऑप्शन है, तो एक ही फोन में दो फोन की तरह अगर आप यूज करना चाहते हैं मल्टी यूजर का भी ऐसे ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये सब ऑप्शन पहले से अवेलेबल थे। बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है, अगर आप डिवाइस का डाटा बैकअप करना चाहते हैं रिस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिलता है। पहले जो हीट ऐप क्लाउड का ऑप्शन था वो सेटिंग में था, अभी यहाँ से रिमूव हो चुका है, फोन मैनेजर के अंदर टूल में आपको मिल जाता है। अपडेट के बाद वॉल्यूम कंट्रोलर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ पर ये ओपन होता है, एंड जो एनिमेशंस है थोड़ी बोल्ड एनिमेशन आपको मिल जाती है अगर आप वॉल्यूम को अप या डाउन करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो पावर ऑन ऑफ एनिमेशन है वो आप देख सकते हैं, पहले के मुकाबले चेंज आपको मिलेगी, तो ये आपको चेंज मिल जाते हैं। कैट कंट्रोल अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जो कि एंड्रॉइड 11 का पहले से ही ये ऑप्शन आपको मिलता है, तो इसे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, इसका लेआउट भी आप देख सकते हैं, बेसिकली जो सेटिंग्स का लेआउट है बॉक्सेस में आपको मिल जाता है कलरफुल के साथ। पहले जो ऑप्शन थे वो नॉर्मल थे, बट अभी आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पासवर्ड, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्राइवेसी पासवर्ड कलरफुल आइकन के साथ आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशन है उसमें भी चेंज आपको मिलेंगे। माई फाइल्स पे अगर आप टाइप करेंगे इसका लेआउट आप देख सकते हैं, काफ़ी कलरफुल लेआउट आपको मिल जाता है, चेंज आपको मिलेगा। यहाँ से बेसिकली आप क्लीन कर सकते हैं, फोन स्टोरेज का ऑप्शन है। कैलकुलेटर एप्लीकेशन अगर आप ओपन करेंगे इसका लेआउट भी आपको चेंज मिलेगा, ऊपर आप देख सकते हैं 3 डॉट का ऑप्शन है। साइंटिफिक पे टाइप करेंगे साइन कोस टैन लॉग, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं रूट तो ये ऑप्शन आपको अनेबल मिलते हैं। एंड बेसिक पे वापस अगर आप टाइप करेंगे नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 4 बॉक्सेज ऊपर आपको 4 डॉट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से करेंसी, सभी करेंसी का सपोर्ट है, तो जो करेंसी का लाइव रेट आपको फाइंड आउट करना वो आप कर सकते हैं, लेंथ एरिया में वेट में सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इसके अंदर आपको मिलते हैं। एंड इस पर अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन पर कैलकुलेटर एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं। वेदर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसकी एनिमेशन भी आप देख सकते हैं, लाइव वेदर के अकॉर्डिंग एनिमेशन आपको मिलेगी, सनी में सनी एनिमेशन आपको मिलेगी, रेनी में बारिश के एनिमेशन, क्लाउड्स में क्लाउडी एनिमेशन आपको मिलेगी, स्नोफॉल में स्नोफॉल की एनिमेशन आपको मिलेगी, एंड अपकमिंग वेदर की डिटेल्स आपको मिलेगी। नीचे और भी वेदर की डिटेल्स हैं। तो गाइस ये अपडेट आपको मिल जाता है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताइए Realme UI 3.0 का सबसे बढ़िया फीचर आपको कौन सा लगा। एंड अगर आपको ये लाइव इलेक्ट्रिक वॉलपेपर चाहिए तो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, तो वहाँ से इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके डिवाइस में ये अपडेट आपको मिला है या फिर नहीं। तो आज की वीडियो में के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।